हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है आपका, देखा होगा ना आपने, लॉस्ट स्प्रिंग। ये अनीश जंग के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही बेहतरीन लेशन है और इस लेशन का मकसद है कुछ और ही है उनका बताना। आप एक जो प्रैक्चुअल पॉवर्टी है जगह जगह, जहां पर बच्चे अपना जो मूल अधिकार है वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनको पब्लिक के सामने लाना है। इसके साथ साथ एक मकसद और है, यदि आप अच्छे पढ़ाकू हो, स्टूडियस हो, तो आपको आपकी और इसके अंदर दो कैरेक्टर आएंगे। एक साहेब, एक लड़का आएगा जिसका नाम होगा साहेब, और एक लड़का आएगा जिसका नाम होगा मुकेश। करोड़ों बच्चे ऐसे हैं हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, जिनको जो इस तरह का जीवन जीते हैं। आपके पास क्या क्या है? आपके पास खाने के लिए वक्त पे रोटी है, कपड़े हैं, घर हैं, केयरिंग पेरेंट्स हैं, स्कूल हैं, बैग हैं, ठंड और गर्मी से बचाव के लिए सारी सुविधाएं हैं। फिर भी आपके पास कुछ न कुछ बहाने हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, पढ़ नहीं पाते। आप इन बच्चों को देखना, इन दोनों के लाइफ इस लेशन में देखना। अनीश जंग बड़ी संवेदनशील है, उसने इसीलिए उनको उनके बारे में लिखा है। क्या है पूरी डिटेल आपको इसके लेशन में बताई जाएगी, और बहुत इंपॉर्टेंट लेशन है कि मैं आज आपको कहता हूं कि PUCCA अंग्रेजी का मीनिंग है, जिसको कहते हैं पक्का, जिसका इंग्लिश में होता है श्योर। एग्जामिनेशन में बड़े वाला क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का, ठीक है? तो शुरू करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग स्प्रिंग तो बहुत सारे मल्टी सेंस वो है, वर्ड है जिसका काफी सारे सेंस निकलते हैं। लॉस्ट, खोया, बसंत, बसंत का मतलब यहां बचपन से मान सकते हो, और कुछ नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप बुक ले लीजिए, बुक के बिना नहीं पढ़ पाओगे। मैं लिख नहीं पाता, लिखूंगा तो ये ठीक नहीं रहेगा, तो मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ। हालांकि मैं आपको सिर्फ इसकी PDF से भी पढ़ा सकता हूँ, पर उसमें उतनी वाइटलनेस नहीं आती, चीजें कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं की जाती। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं लिख दूंगा, और इस लेसन की जितनी थीम बनेगी, जितनी इम्पोर्टेंट चीजें बनेंगी वो मैंने नोट कर रखी है, मैं लास्ट में आपको यहाँ पे लिखवा दूंगा, ठीक है? तो Sometimes I find a rupee in garbage. Garbage, G-A-R-B-A-G, garbage, कचरा। कई बार मुझे एक रुपया मिल जाता है कचरे में। Why do you do this? I ask Saheb, whom I encounter every morning surrounding for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Anish Jang कहती है कि मुझे कई बार मेरे सराउंडिंग नेबरहुड में कुछ बच्चे ऐसे मिलते थे जो कचरा कचरे में से कुछ ढूंढते थे। साहिब या साहिब जैसे और भी बहुत सारे बच्चे थे जो सुबह आते थे और कचरे में कुछ ढूंढते थे। मेरी एनकाउंटर, मुलाकात, ऐसे भिड़ंत भी होता है, मुलाकात हुई और उनसे मिली में हो जाती है उससे मुलाकात। तो मैंने उनसे पूछा, व्हाट इट सी वर्स, Why do you do this? आप ऐसा क्यों करते हो? क्या कि आप कचरे में क्या ढूंढ रहे हो, कचरे में क्यों घूम रहे हो? Saheb left his home long ago, set amidst the green fields of Dhaka. Dhaka is the capital of Bangladesh, our neighboring country. Saheb left his home long ago. Saheb ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। वो ढाका यानी बांग्लादेशी है और वहां पर उसके बहुत सारे हरे भरे खेत थे, अभी नहीं है। His home is not even distant memory, और आज उसका घर है वो उसकी distant memory में भी नहीं है। It means you can say आज उसे याद भी नहीं है कि मेरे खेत कैसे थे। It means हो सकता है उसके जन्म से पहले आ गए हो, उसे नहीं पता। There were many storms that swept away their fields and homes. There are many storms, कई इस तरह के तूफान आए कि उनका घर और खेत सब उजाड़ दिए। And they left. His mother tells him, ऐसा उनकी माँ बताती है। अब यहां इसमें that's why, और इसीलिए they left looking for gold in the big city where he lives now. अब यहां यह आ जाता है कि
साहेब का परिवार वहां दिल्ली के सराउंडिंग में नियर सीमापुरी में वहां स्लम एरिया में क्यों रहता था, या व्हाई डिड दे लीव बांग्लादेश, व्हाई डिड दे लीव देयर हाउस। तो आपको यहां क्या बताना है, अकॉर्डिंग टू साहिब्स मदर, साहिब की मां के अनुसार इसमें लिखा है देयर वर मेनी स्टॉर्म्स स्वेप्ट अवे। तो यहां आपको करना है कि स्टॉर्म्स स्टॉर्म्स ने स्टॉर्म की वजह से ड्यू टू द डेंजरस स्टॉर्म, स्टॉर्म ने क्या किया उनकी दो चीजें को स्वेप कर दिया, देयर ग्रीन फील्ड्स। फिर वो बच्चा कहेगा कि मेरे समझ में नहीं आया, आप साफ लिखा करो, तो मैं साफ लिख देता हूं। दो चीजों को स्वेप कर दिया उसने, एक तो ग्रीन फील्ड, उनके भी खेत थे, और एक उनका होम, उनका घर था। ये जो थे बच्चे, इनका घर था, खेत थे, बहुत अच्छा था, लेकिन स्टॉर्म आया, उसने स्वेप्ट कर दिया, सब कुछ उजाड़ दिया। उसके बाद में उसने अपनी सर्चिंग फॉर गोल्ड, गोल्ड का मतलब यार सोने से नहीं कि वो सोना तलाश रहे थे, नहीं सोना नहीं तलाश रहे थे, वो अपनी रोजी रोटी की तलाश के अंदर दिल्ली किसी भी बड़े शहर के नजदीक आखिर वहां पर कुछ न कुछ रोजी रोटी कमाने के लिए आए। तो काम तो मिला नहीं, जगह मिली नहीं, तो वहां पर कच्ची बस्ती में स्लम एरिया के अंदर आके रहने लग गए, और वहां कचरा बीनना उनकी दे आर क्या बोलते हैं कंपेयर टू डू दैट, उनकी मजबूरी थी ऐसा करना। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। तो जब उसने पूछा व्हाट डू यू डू दिस, हरीश ने आस्क व्हाट डू यू डू दिस, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ है ही नहीं करने के लिए, क्या करूं, ऐसा उस बच्चे ने कहा। ही मटर्ड लुकिंग अवे, ही मटर्ड लुकिंग अवे। अब लुकिंग अवे का मतलब होता है कि उसने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने मटर्ड यानी थोड़ा सा ज्यादा खुल के ना बोलना, दूसरी तरफ देखते होगा कि मेरे पास और कुछ है ही नहीं करने के लिए, और मैं क्या करूं, यानी सामने नहीं देखा उसके। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, ग्लिबली का मतलब नॉट सीरियसली, मजाक मान लीजिए, या ऐसा एक राय देना जिसका कोई मकसद नहीं होता, लापरवाही से मान लीजिए, कहा मैंने गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे एक बहुत गरीब बच्चा जिसके पास घर नहीं है, खाना नहीं है, छत नहीं है, कुछ भी नहीं है, कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है, उसको आप ये कहो अच्छे कपड़े पहना करो, अच्छे घर में रहा करो, ठीक वैसे ही उसने कैजुअली कह दिया गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और अनीश चंद ने तुरंत इसको इमीडिएट रियलाइज कर लिया, तुरंत इसको रियलाइज भी कर लिया कि मेरी जो एडवाइस है वो हाउ होलो है, वेरी क्या है, होलो है। होलो का मतलब है खोखली, मेरी राय है वो बिल्कुल खोखली है, निरर्थक है, उसका कोई बेस नहीं, ऐसे ही बोल दिया मैंने बस ये। देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, तो उस बच्चे ने कहा, उस लड़के ने क्या कहा, देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे तो आस पास कोई स्कूल ही नहीं है, कहां जाऊं। वेन दे बिल्ड वन आई विल गो, वेन दे बिल्ड, जब कोई बना देगा तो चला जाऊंगा। कितना बढ़िया उत्तर दिया उसने। देन आई आस्क हाफ जोकिंग, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल Will you come? उसने कहा if I start, यदि मैं start कर दूं तो क्या तुम आओगे। I ask half joking, मैंने मजाक करते हुए कहा yes, he says smiling broadly। तो उसने कहा इस पहले देखिए क्या कहा, इस बात को दिमाग में बैठाना चाहिए, उसने कहा क्या स्कूल क्यों नहीं जाते, है ही नहीं मेरे पास स्कूल, जब खुलेगी तो चले जाऊंगा, अगर मैं स्टार्ट करूं तो क्या तुम आओगे। तो उसने स्माइल ब्रॉडली यह हंसते हुए हा 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 जरूर आऊंगा ऐसे हंसते हुए कहा, बचपन है ना। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, ए फ्यू डेज लेटर कुछ दिनों बाद आई सी हिम, मैं उससे मिली, मैंने उसको देखा कि ही वाज रनिंग टू मी, मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था।
एंड पूछा, इज योर स्कूल रेडी मैडम, क्या आपका वो स्कूल तैयार हो गया क्या? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड स्कूल, स्कूल बनने में बहुत समय लगता है। आई से एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट, बट प्रोमाइजेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ इस ब्लीक वर्ल्ड। मैंने जो वायदा किया था उससे, इस तरह के वायदे उसके ब्लीक वर्ल्ड में, उनके ब्लीक वर्ल्ड में, उसके अंधेरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे वायदे हैं जो कभी पूरे नहीं होते, कुछ भी पूरा नहीं होता उनके जीवन में। तो इस तरह का ही मेरा जो वायदा था, जो था उसका मतलब ये था कि वो नया पूरा होने वाला था उसके लिए स्कूल। आफ्टर मंथ्स नोइंग हिम, कई महीनों तक उसको जानते हुए, अब उस मेरी जान पहचान हो गई, कई महीने हो गए मुझे उसको जानते हुए। आई आस्क हिज नेम, मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम? साहिब ए आलम, ही अनाउंसेस ही डज नॉट नो व्हाट इट मींस। उसने नाम बताया, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है यहां देखिए, साहिब आलम, यहां देखिए साहिब एंड आलम, आलम यानी होता है वर्ल्ड, ठीक है, और साहिब होता है मालिक, मास्टर, यू कैन से यूनिवर्स। यहां पर एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, लिटरल मीनिंग ऑफ द हिज नेम साहिब आलम। द लिटरल मीनिंग ऑफ साहिब आलम, ही अनाउंसेस, वो कहता है क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम, ही टोल्ड अनीश जंग दैट साहिब आलम। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, उसे पता नहीं इसका क्या मतलब, क्या इसका अर्थ क्या, साहेब को नहीं पता था। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट। यदि उसे पता होता तो उसके लिए विश्वास करना भी बड़ा कठिन होता। उसका मीनिंग क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो आपके एक प्रश्न बनता है कि राइट द लिटरल मीनिंग ऑफ द नेम साहेब ए आलम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेम साहेब ए आलम, एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए प्रश्न बनता है और आप इसका इसका आंसर दोगे लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। यहां पर अगर लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स आप एग्जामिनेशन में उत्तर लिखते हो तो भी सही है, मास्टर ऑफ द यूनिवर्स लिखते हो, मास्टर ऑफ द वर्ल्ड लिखते हो, तीनों ही उत्तर आपके सही होंगे क्योंकि आंसर की के अंदर तो ये उत्तर आएगा, लेकिन उसके नीचे ये लिखा जाएगा कि अगर स्टूडेंट उससे मिलता जुलता सेंस जिसका दूसरा है अलग मीनिंग में लिखता है तो भी दैट ही विल बी गिवन ड्यू क्रेडिट, तो ऐसा उसको क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, इस बात से अनजान कि उसके नाम का क्या मतलब है। ही रोम्स द स्ट्रोट विद हिज स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, रोम यानी घूमता है, रोमिंग का मतलब होता है बिना मकसद से, ज्यादा कोई बड़ा मकसद नहीं है, आवारा घूमना, विद हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ, एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज हु अपियर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर्ड एट नून। अब ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, डिस्क्राइब हाउ साहेब रॉन्ग इन स्ट्रीट्स, तो आपको ऐसा बताना पड़ेगा कि साहेब रॉन्ग इन स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, पहला काम विद हिज फ्रेंड, फिर किस तरह से एन आर्मी ऑफ बेयर फ्रूट बेयर फ्रेंड्स बेयर फूट सॉरी विद हिज फ्रेंड, आर्मी ऑफ बेयर फूट, दो चीज होगी ना, और तीसरी चीज किसकी तुलना क्या किसकी की गई है, लाइक द मॉर्निंग बर्ड, सुबह जैसे पक्षी आते हैं झुंड में वैसे आते हैं और गायब डिसअपीयर हो जाते हैं, कब हो जाते हैं, इन द नून, ओवर द मंथ्स कई महीनों बाद आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और कई महीनों बाद मैं सबको जानने लग गई, जितने भी आते थे साहिब के साथ जितने भी आते थे उन सबको अनीस जंग जानने लग गई। अनीस जंग इसकी राइटर है, लेडी राइटर है, बहुत अच्छी वो स्टोरीज वगैरह लिखती है। व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स आई आस्क, तो यहां सेकंड प्रश्न ये आ सकता है कि उसने शुरुआत में
अनीस जंग ने साहेब से या उन लड़कों से कौन कौन से प्रश्न पूछे थे? पहला प्रश्न, आप यहां क्या कर रहे हो? दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न था स्कूल क्यों नहीं जाते। तीसरा प्रश्न क्या किया उसने, वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल, आप चप्पल क्यों नहीं पहनते। अब देखिए वो बच्चे क्या क्या जवाब देते हैं, चप्पल उन्होंने कभी चप्पल खरीदी नहीं, चप्पल उनके पास है ही नहीं। अब बच्चे हैं, आई आस्क वन, तो माई फादर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, माई मदर, ओके। एक ने कहा कि मेरी माँ ने उनको सेल्फ से नहीं उतारी है, यानी ये कहना चाहता है कि मेरे घर पे चप्पल तो पड़ी है पर ऊपर पड़ी जो ताक कहते हो या सेल्फ कहते हो, जो भी ऊपर एक बनाया हुआ अपना कुछ सामान रखने के लिए कमरे में, उसको कहते हैं। तो इसका ये क्या कह रहा है पर ऊपर सेल्फ पे पड़ी है तो माँ ने उतार के नहीं दी, जबकि है नहीं इसके पास। Adds another who is wearing shoes that do not match. उसके पास दूसरा खड़ा है, उसने जूते पहन रखे पर उनका मैचिंग नहीं है, एक जूता दूसरे कलर का एक जूता दूसरे कलर का। कंपेयर कीजिए, आप स्टूडेंट्स पढ़ने वाले कंपेयर कीजिए, उसने दो जूते दो कलर के क्यों पहन रखे हैं कि एक किसी गली में पड़ा हुआ मिल गया कचरे में और दूसरा दूसरे कचरे में मिल गया और उसने पहन लिया और उनको पहन के भी खुश है। आप स्टूडेंट्स इतनी सुविधाएं आपको घर वाले देते हैं, घर है, स्कूल है, बैग है और सारी चीजें लाके देते हैं, उसमें भी ऑप्शन देखते होंगे मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। वो बच्चे देखिए जिनका राइट है खेलना, मनोरंजन करना, पढ़ना और समय पे खाना प्राप्त करना, घर प्राप्त करना, बच्चा है, बच्चे का अधिकार होता है, उसका राइट टू एजुकेशन भी है, उसको नहीं मिला है लेकिन वो किस में खुश है। देखिए कचरे से एक जूता मिल गया पहन लिया, दूसरे कचरे में दूसरे दिन दूसरे कलर का मिल गया वो पहन लिया, उसको पहन के भी खुश है। Who is wearing shoes that do not match? Match नहीं करते। When I comment on it, जब मैंने उसको comment किया उस जूते पे, he shuffles his feet and says nothing. तो अपने पैर को वो सफल करता है इधर उधर ऐसे ऐसे and कुछ भी जवाब नहीं दिया कि ये अलग अलग कलर के क्यों है। I want shoes. और तीसरे बच्चे ने कहा मेरे को जूते चाहिए। Says a third boy who has never owned a pair of all his life, जिसके पास कभी जूते थे ही नहीं। ये सारे बच्चे नंगे पैर को पांव घूमते थे। नंगे पांव क्यों घूमते थे? क्योंकि उनकी जूतों का तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता था, उनकी तो प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही थी। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज और ऑन विलेज रोड्स। पूरे देश में घूमते हुए मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे। यहां चिंता कर रही है निश्चित कि पूरे देश में घूमते हुए मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे जो शहरों की सड़कों पे और गांव की गलियों में बिल्कुल नंगे पांव घूमते रहते हैं। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। इसका एक गैर वाजिब एक्सप्लेनेशन दिया जाता है जब पूछा जाता है, तो कहते हैं पैसे की कोई बात नहीं है, ये हमारी परंपरा है, हमारी आदत है नंगे पांव घूमना, पर ऐसा नहीं। आई वॉन्डर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ प्रैपचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। बट वो कहती है कि दिस इज अ प्रैपचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, प्रैपचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। यदि आपको प्रैपचुअल का मीनिंग नहीं पता है तो आप ये समझ लीजिए कंटिन्यू, लगातार, लेकिन आपको प्रैक्चुअली लिखना है। जब आपको अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं, अगर ये लेसन आप पढ़ रहे हो तो आपको प्रैक्चुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी द मीनिंग्स आपको आने चाहिए, क्योंकि ये कई जगह काम में आएगा। जो भी आप आंसर लिखोगे ये जरूर आपको लिखना पड़ेगा प्रैक्चुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, इसका अर्थ आपको बताना ही पड़ेगा, यानी ये मीनिंग आपको काम में लेना पड़ेगा, तब आपको अच्छे नंबर आएंगे। एंड आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम उडुपी, वंस आई Once told me as a young boy he would go. अब आज मैंने एक ये पैराग्राफ आपको पढ़ाया है, अभी उसके से रिलेटेड जो चीजें हमने पढ़ी, अब बाकी नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट में पढ़ाऊंगा, दो या तीन पार्ट में इसको पूरा करता हूँ, उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक आप एक बार इसको ये देख लीजिए, यहाँ पे ये प्रश्न बनता है साहिब आलम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटिल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एंड हाउ मेनी कैरेक्टर्स या स्टूडेंट्स आर मेंशन्ड विद नेम। साहिब किया था, मुकेश आगे आएगा, तो उम्मीद करते हैं
कि आपके ये इतना अच्छा समझ में आया होगा। धन्यवाद।